हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज हम बनाएंगे बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का बैगन का भरता, जो आपने अभी तक नहीं खाया होगा। खाया होगा तो फिर आप मुझे बताना। तो मैं आज आपको ये सिखाती हूँ बैगन का भरता कैसे बनाती हैं। बैगन ले लेते हैं हम। बैगन को मैंने पहले से धो के अच्छे से कपड़े से साफ कर लिया है। इसके ना हम इस तरह दो दो पीस कर लेंगे सारे बैगन को। और गैस मैंने साइड में ना कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें ऑयल डाल रखा है, तो हमारा ऑयल भी गर्म हो रहा है। इसको मैं ना ऐसे तलने के लिए छोड़ दूंगी और इसको कवर करके रख देंगे। तो गैस देखते हैं, प्लेट में रख देते हैं क्योंकि ये ना इसका पानी होता है तो थोड़ा उचटता है। तो गैस ये बहुत शानदार पके हैं, अच्छा सा भुन गया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, इनको अब हम बाहर निकाल लेते हैं। तो गैस इस तरह चिमटे की मदद से इनको ना आराम से निकाल लेते हैं। तो गैस ये हमारे सारे बैगन तल गए हैं। अब हम इनके लिए मसाला तैयार करते हैं। गैस ये मैंने एक बड़े बर्तन में ले लिए हैं। अब इनके ना जो डंठल है ना, ये ठंडा हो गया है थोड़ा सा, तो इनको हम ना हटा लेंगे। अरे छिलके नहीं हम हटाएंगे बिल्कुल भी। ये मैंने दो बड़े टमाटर ले लिए, इनको बारीक काट लिया है। हरी मिर्ची है, इन्हें भी हमने काट लिया है। प्याज दो, इनको भी अच्छा सा बारीक काट लिया है। धनिया पत्ती स्वाद अनुसार, तीखा जैसा आप खाना चाहें वैसे लाल मिर्ची का पाउडर डाल लें। हल्का सा हल्दी पाउडर, नमक भी स्वाद अनुसार। अब गैस इसको हमें ना बहुत अच्छे से मस लेंगे। ये बहुत शानदार भरता बनता है। तो गैस इसको ना मैं बहुत अच्छे से इसी में ऐसे ही मसलना है। आप कहोगे कि हाँ बैंगन का भरता बताया और खाया भी। ज़्यादा हमको गैस की भी ज़रूरत नहीं पड़ी गैस, सिर्फ हमने बैगन को ना डीप फ्राई किया है ऑयल में। तो गैस इसको हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें हम लगाएंगे चौक। तो हम चौक की तैयारी करते हैं। गैस हमने ना चौक का पैन चढ़ा लिया है। अब इसमें मैंने ऑयल डाला है, दो चम्मच खाने वाली अच्छा सा थोड़ा तेल लेते हैं। अब हमारा ऑयल हो जाएगा, ऑयल हो चला है। इसमें हम डालेंगे जीरा, जीरा भी अच्छा भुन जाएगा। अब इसमें मैं डालूंगी हींग। इसमें हींग तो बहुत ज़रूरी है, इसको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि बैगन है। तो गैस ये इसके अंदर जाएगा। तो गाइस इसमें हींग और जीरे का जो तड़का लगता है ना, इतना शानदार महकता है ये भरता। आप अगर है ना दो रोटी तीन रोटी खाते होंगे ना, मैं गारंटी से कहती हूँ आप इसके साथ छह रोटी खा जाएंगे। गाइस फाइनली मेरा बैगन का भरता बन के तैयार हो गया है। और आप फटाफट मीसी रोटी बनवाएं और ये भरता खाएं। गाइस आपको ये मेरा बैगन का भरता पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, मेरी इस रेसिपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेल आइकन घंटे को प्रेस करना। तो मैं ऐसे ही वीडियो लेके आऊँगी। टेक केयर। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करना और मेरे चैनल सीमांस कुकिंग एंड ब्लॉग को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेल आइकन घंटे को प्रेस करना, ताकि मेरी वीडियो आपके पास अच्छे अच्छे आए। टेक केयर।